हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो वैसे अगर आपके आगे चांदनी चौक का नाम लिया जाए तो आपको कुछ मेन चीज़ें याद आती होगी, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद या फिर चांदनी चौक का टेस्टी टेस्टी फूड जो कि बहुत ही फेमस है। बट इस ब्लॉग में हम आपको ऐसी जगह लेके चल रहे हैं जिसके बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा। तो जहाँ हम चल रहे हैं इसके बारे में हम आपको वहीं चल के बताएंगे और पूरा एड्रेस भी बता देंगे। तो चलो चलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. तो गाइज़ आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो हवेली की, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मंडे को और सरकारी छुट्टियों वाले दिन ये हवेली बंद रहती है। तो आप इसी टाइम को नोट करके आएँ जब भी आना हो। ये है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। जी हाँ, हम आए हैं गालिब की हवेली, जो कि बहुत मशहूर उर्दू व फारसी भाषा के बहुत मशहूर शायर और कवि थे। कहा जाता है कि गालिब ने अपनी वाइफ के साथ अपना अंतिम समय इसी हवेली में दिल्ली में बिताया था, और यहाँ पे बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं भी करी थी। तो चलो हम आपको सारा दिखाते हैं। और इधर कुछ गालिब की रचनाएं रखी हैं। ये सभी उनकी नमूने हैं, मतलब रियल नहीं हैं बट बिल्कुल रियल लग रहे हैं। और यहाँ पे उनकी पोशाक का, पहनावे के तौर तरीके का नमूना दे रखा है। ये है मिर्ज़ा गालिब का, और ये है उनकी पत्नी उमराव बेगम का। गालिब का जन्म 1797 में 27 दिसंबर को हुआ था, और इनका जन्म आगरा शहर में हुआ था। और यह भी आगरा में रहते थे, और इनके जो पिता थे वह घर जमाई थे, तो इसलिए इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में ही हुआ। सो गाइस, इसमें सारा गालिब के बारे में बता रखा है कि उनका जन्म 27 दिसंबर में हुआ था, और गालिब के पिता के बारे में बता रखा है। और यह भी बताया गया है कि 13 वर्ष की उम्र में गालिब दिल्ली में आए थे, और 13 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी भी हुई थी। और शेर व शायरी के रसिए मिर्ज़ा गालिब बचपन से ही मोमिन थे, मतलब बचपन से ही शौक था उनको। और अभी ये एक कमरा इधर है और एक कमरा उधर है, तो अब हम उधर चलते हैं। यह बिल्कुल उसी समय से रिलेट कर रही है, मतलब पुराने ज़माने वाली फीलिंग आ रही है। तो अभी हम सारे एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे गालिब के नाम से स्टैम्प है। कहा जाता है कि भारत के साथ साथ गालिब पाकिस्तान में भी बहुत माने जाने लगे थे, उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाने लगा था। तो पाकिस्तान ने उन्हों के सम्मान में अपनी एक स्टैम्प भी निकाली थी गालिब की शक्ल की, इधर आके दिखाइए, और यह वहाँ पे चलाई जाने लगी थी। यही वो स्टैम्प्स थी जो पाकिस्तान में चलने लगी थी गालिब की शक्ल की। और यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं, ये सारी उर्दू भाषा में लिखी है बट मुझे नहीं आती, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता।
और यहाँ पे पूरे गालिब का, पूरे मिर्ज़ा गालिब की पूरी मूर्ति बनाई गई है, पूरा नमूना, और उनके रहन सहन का भी पूरा दिखाया गया है, और वो उधर बैठ के हुक्का भी पी रहे हैं। दिखाई है तेरा पूरा कैप्टन को भी बहुत पसंद था उनका। और इधर इधर आते हैं तो इधर दिखता है कि गालिब के बर्तन, बट ये असली नहीं है, बट इनको बनाया उसी तरीके से गया है, बिल्कुल पुराने ज़माने के लग रहे हैं, बिल्कुल रियली लग रहे हैं। तो वो ऐसे ही बर्तन यूज़ करते थे। और इधर तो आपने देख लिया होगा कि वो एक गालिब की सारी रचनाएं का नमूना रखा है। और आप इधर आते हैं तो गालिब के कुछ फेवरेट गेम्स दिखते हैं, तो वो देखिए। यहाँ पे है सबसे पहले चेस, जो कि गालिब को बहुत पसंद आता था, बहुत खेलते थे, कहा जाता है कि चेस वे बहुत खेलते थे। और इधर है चेस, इस गेम को कहा जाता है चौसर। गालिब यह भी खेलना बहुत पसंद करते थे। और यहाँ पे सारी गालिब की किताबें रखी हैं, गालिब की लिखित किताबें। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, जो बोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। वैसे हवेली बस 140 गज की है, बट कहा जाता है कि गालिब ने अपना अंतिम समय यहीं पे व्यतीत किया था, एक यहाँ पे और वो जहाँ से अभी हम आए थे। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बट अभी थोड़ा कोविड की वजह से बंद थी, यहाँ दूसरा तीसरा दिन ही है जो आज वापस खुली है हवेली। बहुत दिनों से वेट कर रहा था मैं कि कब खुलेगी कब खुलेगी, तो पता चला था कि खुल गई हैं, तो फिर हम आए ब्लॉग बनाने। तो गाइज हमने आपको पूरी गालिब की हवेली एक्सप्लोर करा दी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो चलते हैं हम, बाय बाय।